पास होता तो मोहल्ला सभा एग्जिस्टेंस में आती, बनती, मोहल्ला सभाओं को अधिकार मिलता तो मोहल्ला सभा ये निर्णय ले सकती थी। 18 महीने इनको बीत गए, एक बार भी कोशिश नहीं किया इन्होंने स्वराज बिल को लाने का, वो स्वराज बिल जिसके नाम पे इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, और अब कह रहे कि मोहल्ला सभा निर्णय। मोहल्ला सभा है क्या, कहां है? हम कह रहे यही है मोहल्ला सभा। किसको कहते हैं मोहल्ला सभा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर करेंगे मोहल्ला सभा निर्णय लेगी, अखबार में छपवा देंगे और लोगों को गुमराह कर लेंगे, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे, प्रचार कर देंगे, शहरों में बोर्ड लगा देंगे कि मोहल्ला सभा निर्णय। मोहल्ला सभा है कहां, किसको कहते हैं मोहल्ला सभा? उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, कानून आप बना ही नहीं रहे। तो हर कदम हर वक्त जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय, जो लोगों की परेशानी है, पीड़ा है, उसको सुनने की बजाय हर वक्त तिकड़मबाजी, हर वक्त तिकड़मबाजी। एक सीमा होती है दोस्तों, आप लोगों को इतना भी बेवकूफ, इतना भी मूर्ख मत समझिए कि आप रोज कुछ ना कुछ नाटक करेंगे, रोज आपके नाटकों में लोग आते रहेंगे, उसकी एक सीमा होती है। और लोग अब समझ चुके हैं, आप लोगों का संघर्ष, आपकी भीड़ ये दर्शाती है कि लोग समझ चुके हैं इसको। तो दोस्तों ये तो है कि दिल्ली के स्तर पे ये काम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं ये अंत में जो हमें पता चला, ये 4 RTI 5 RTI में अलग अलग जानकारी इन्होंने दे दी। अब हमारे पास भी एक हथियार है, आपके पास भी एक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, उनका नाम है पंकज पुष्कर, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर में। पंकज भाई ने सवाल पूछ डाला बिल्कुल कैटेगरी वाइज कि आप बता दीजिए L2 में कितने खुले, L6 में कितने खुले, L7 में कितने खुले, L10 में कितने खुले। अब ये घिर गए, पहले तो इनसे पूछा जा रहा था कि शराब के कितने ठेके खुले दिल्ली में, ये जवाब देते थे कि 58 खुल गए L6 L7 और L10 मिला के। जवाब पूरा हो गया, लोगों ने समझ लिया 58 खुल गए। किसी को जवाब दिया L12 L7 L8 मिला के 124 खुल गए। पंकज भाई ने पूरा कैटेगरी वाइज सवाल पूछ दिया और यह भी कह दिया कि आप पूरी लिस्ट हमें दे दीजिए कि दिल्ली में जितने भी लाइसेंस आपने दिए उसकी पूरी की पूरी लिस्ट हमें दे दीजिए। अब विधानसभा में मजबूरन इनको देना तो पड़ा, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो इनको देना ही था, भले खड़े होके उप मुख्यमंत्री ने वहां भी झूठ बोल दिया, वहां भी कह दिया कि 6 ही ठेके खुले, साफ झूठ था। लेकिन जो हमें जवाब मिला, जो 300 पन्नों की लिस्ट मिली कि दिल्ली में कितने शराब के लाइसेंस दिए गए हैं, उनमें जब हमारी टीम ने पूरा का पूरा रिसर्च किया तो जो हमें पता चला वो हैरत अंगेज है। हम तो 58, 72, 17 की बात कर रहे थे। सच्चाई यह है कि इस सरकार ने सिर्फ 18 महीने में, और इन 18 महीनों में इस सरकार के सिर्फ 371 वर्किंग डेज हुए हैं। इन 18 महीनों में कई संडे थे, कई सैटरडे थे, कई गैजेटेड छुट्टियां थी। 371 दिन इस सरकार ने काम किया है और 399 लाइसेंस बांटा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? दुनिया की कोई भी पार्टी ये काम करती तो शर्मनाक होता, ये कर कौन रहा है? ये वो पार्टी कर रही है जो सरकार में आई ही थी इसके उलट वादा करके, जो आई ये कह के कि 500 स्कूल खुलेंगे। 500 स्कूल का तो पता नहीं, 50 का भी नहीं पता, 400 लाइसेंस का पता है हमें सिर्फ 371 दिन में। इसका एक मतलब क्या हुआ कि हर दिन जब ये दिल्ली सरकार काम करती है तो दिल्ली में कोई ना कोई ठेका खुल रहा होता है, कोई ना कोई बार खुल रहा होता है, कोई ना कोई बारशाला खुल रही है ना, बारशाला आपके पड़ोस में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, कोई ना कोई रेस्टोरेंट को लाइसेंस मिल रहा होता है, कोई ना कोई होटल को लाइसेंस मिल रहा होता है हर दिन। आज संडे है ना, कल सरकार का कुछ काम हो रहा होगा, हो सकता है दफ्तर में फिर किसी को एक लाइसेंस मिलेगा। 16 अगस्त को जब अरविंद केजरीवाल जन्मदिन मना रहे थे उसी दिन आपके पड़ोस में उद्घाटन हो रहा था, यही ये जो कॉम्प्लेक्स है मेट्रो का, आप लोगों को पता होगा जो यहाँ के है, उसी दिन उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि दिल्ली में कोई शराब का ठेका नहीं खुलेगा। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त यहाँ उद्घाटन चल रहा था। हाँ, ठेके भी 3 खुले जो ये काम कर रही है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, हमने सोचा कि हम किसी भी मंच से बदनाम करने की कोशिश इनको नहीं करेंगे, हो सकता है ना खोला हो सकता है गलती से जवाब दे दिया, चलिए विधानसभा में भी हो सकता है गलती हो गई हो। हमने इनको एक और मौका दिया, हमने इनको कहा कि आपके पास 72 घंटे का समय है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो हम आपको दे रहे हैं, जो 399 लाइसेंस आपने दिए हैं, अगर ये गलत है तो आप 72 घंटे में बता दीजिए,
हमारे चैलेंज को स्वीकार करके बता दीजिए कि नहीं 399 नहीं खुले, 72 घंटे बीत गए, इन्होंने आंकड़े पर कोई खंडन नहीं किया, इस आंकड़े का खंडन नहीं हुआ है, इसको स्वीकार कर लिया गया है, 399 लाइसेंस बांटे गए हैं। ये है सबसे दुखद बात। और ये वही मुख्यमंत्री है जो कल खबर आ रही है पंजाब से कि अब ये पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। मतलब ये नशा मुक्त करेंगे, इनकी शायद परिभाषा कुछ और है नशा मुक्त करने की। दिल्ली को कर दिया नशा मुक्त ना, वहां लोगों को डरना चाहिए कि नशा मुक्त करेंगे तो ये कर देंगे, इसका मतलब ये स्थिति है दोस्तों, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। तो एक जन सुनवाई में ही किसी दोस्त ने बात रखी थी, एक तो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनको चुना गया देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनको देश के अलावा बाकी सभी देश पसंद आते हैं, वो वहीं घूमते हैं और वो सारी अच्छी बातें या तो युगोस्लाविया में बोलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं या अमेरिका में बोलते हैं। भारत बुद्ध गौतम कबीर का देश है, ये सारी बातें वो भारत में कभी नहीं कहते हैं। भारत कैसा देश है, कितनी सांस्कृतिक विविधता का देश है, ये सारी बातें वो विदेश में ही बोलते हैं। उसी तरह एक मुख्यमंत्री हमने चुना है, एक छोटा मोदी चुन लिया है। जो ये छोटा मोदी है ये क्या करता है, इन्होंने कहा है कल कि मैं खुट्टा गाड़ के बैठूंगा, कहां बैठेंगे, पंजाब में। एक साल पहले भी ये बात इन्होंने कहा था, पता है क्या कहा था मैं खुट्टा गाड़ के बैठूंगा, कहां, दिल्ली में। एक और बात इन्होंने कही थी कि मैं कोई नेपोलियन हूं, याद है आपको, दिल्ली में चुना गया है मुझे, मैं दिल्ली के बाहर क्यों जाऊंगा, मैं कोई नेपोलियन थोड़े ना हूं। तो नेपोलियन आज खुट्टा गाड़ने गए हैं पंजाब में, खुट्टा गाड़ के वहां बैठे हुए हैं। जिस तरह शीला दीक्षित आज जेल में है उसी तरह बादल कल जेल में होंगे, बहुत संभव है। ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि चल क्या रहा है। अब दोस्तों हमें करना क्या है ये सोचना पड़ेगा। प्रशांत जी हैं हमारे साथ, हमें आगे की राह दिखाएंगे। और बाकी की जन सुनवाइयों में जो कई दोस्तों ने जो बातें रखी, जो किया, उससे भी हमें कुछ राह मिली है। विकासपुरी की बात रवि भाई ने रखी कि विकासपुरी में क्या हुआ है, वहां से भी हमें एक तरह का उदाहरण मिला है कि क्या किया जा सकता है। उस पर आगे प्रशांत जी बताएंगे कि हम क्या करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे हमें देखना है कि हम लोग समर्थन में है कि नहीं उस प्रस्ताव के, फोन है क्या, उस प्रस्ताव के समर्थन में हम है कि नहीं। तो इस प्रस्ताव पे हम एक बार वोटिंग करा के देख लेते हैं, इसके बाद पंकज भाई अपनी बात रखेंगे, प्रशांत जी बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव पे राय आपकी आ जाए। दोस्तों यहां की जो आज की जन सुनवाई है, जो सभा है, अजमेरी गेट के पास राधा कृष्ण मंदिर के सामने स्थित इस ठेके के पास, उसका ये प्रस्ताव मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अगर आप सहमत हो तो आप हाथ खड़े करके अपनी सहमति जाहिर करिएगा। हम आज दिनांक 11 सितंबर को इस जन सुनवाई में अजमेरी गेट के पास राधा कृष्ण मंदिर के सामने स्थित इस शराब के ठेके को बंद करने का प्रस्ताव करते हैं। इस ठेके ने स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं का जीना दूभर कर दिया है। सरकार की तरफ से अब तक हमारी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज की यह सभा यह निर्णय लेती है कि इस ठेके को अभी के अभी यहां से हटाया जाए। यह जन सुनवाई दिल्ली सरकार को चेतावनी देती है कि कल से यहां यह ठेका नहीं खुलना चाहिए। यह प्रस्ताव है दोस्तों, इसके समर्थन में जो लोग हैं वो कृपया हाथ उठाएं। ये आप समर्थन का भाव देख लीजिए दोस्तों, अभी से बंद होना चाहिए। कल किसने देखा है जी, देखिए काल कल में बने आगे फिर करेगा कब, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई।
हमारी आंटी के तरफ से एक संशोधन आया है, अब उस संशोधन पर भी आप अगर वोटिंग करना चाहे तो कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि कल से नहीं, आज से आज होना चाहिए। मैं समर्थन में हूँ, जो लोग समर्थन में हाथ उठा सकते हैं। आगे की राह पंकज भाई बात रखेंगे अभी, और उसके बाद प्रशांत जी बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। शायद थोड़ी सी भी आंख की शर्म होगी तो शायद आगे की हमारी किसी कार्रवाई से पहले ही ये कुछ कार्रवाई खुद कर लेंगे। पंकज, इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तिमालपुर से लोकप्रिय विधायक भाई पंकज पुष्कर, जो सड़क से लेकर विधायक